दोस्तों आज आपको लेकर जाने वाले हैं नेपाल के बेहद ही खूबसूरत शहर पोखरा के सारंगकोट की ऊंचाइयों पे, जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही फेमस है। 20 मिनट में 2 किलोमीटर की रोपवे राइड करने के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो और भी आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ कितने खूबसूरत जगह हैं और कितना कुछ एक्टिविटीज करने को है यहाँ पे, और बेहद ही कम पैसों में इतने सुंदर नजारों को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप कहीं यूरोप में तो नहीं आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी वीडियोस बराबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। केबल कार से सारंगकोट, और केबल कार के लिए हम लोग जाना पड़ेगा सीधी, जो कि फलाना चौक से थोड़ी दूर पे है। तो हम लोग ने लोकल बस पकड़ लिया है जिसमें हम लोग को 30 रुपीज़ नेपाली लगने वाले हैं। अच्छा, 20 रुपये एक आदमी का नेपाली। और यही छोटी सी ग्रीन वाली बस है क्योंकि हम लोग को मिली है हरान चौक से और यहाँ तक छोड़ दिया है। इसका नाम है सेदी। टोल कार पकड़ने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि 400 मीटर दूर है। ट्राई करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अन्नपूर्णा टोल के गेट पे। आगे है टिकट लेने के लिए और ये है टिकट काउंटर केवल कार का। लेकिन यहाँ से व्यू देखिए फेवाले का कितना शानदार दिखाई दे रहा है। टिकट हम लोग ले लिया है एक आदमी का 800 रुपया। और एक आदमी का 800 नेपाली, मतलब 500 रुपये इंडियन में, जिसमें आने जाने दोनों का कॉस्ट शामिल है। आप 6 बजे के पहले कभी आ सकते हैं, 6 बजे के पहले आ सकते हैं ना। तो बस यहीं पे केबल कार आएगी और यहीं से हम लोग जो है ऊपर जाने वाले हैं। तो चलिए बैठते हैं केबल कार के अंदर। मैं पहले भी नेपाल के मनोकामना में केबल कार की जर्नी कर चुका हूँ, ये तो बहुत पहले से है, मुझे लगता है करीब 20 साल हो गए होंगे। और ये अभी तो 3-4 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। देखिए हम लोग की यात्रा शुरू हो चुकी है। अब देखिए हम लोग को जाना है बिल्कुल ऊपर। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे पता चला कि ये करीब 2 किलोमीटर की जर्नी है, टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। और फरवरी 13 को ही इसका ओपनिंग हुआ है, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं। और यहाँ से भी काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई देता है। ऐसे मनोकामना में भी पहाड़ और नीचे नदी है, और यहाँ भी लेक का सीन है और पहाड़ तो है ही। तो यही हम ऊपर जाने वाले हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। ऊपर जो वेंटिलेशन है, सांस लेने में कुछ परेशानी नहीं है। देखिए मैंने नेपाल में मनोकामना में किया था केवल कार की जर्नी, और रिसेंटली 2-3 साल पहले मैंने गैंगटॉक में किया था। लेकिन ये जो केबल कार है ये फॉरेन प्रोग्रेशन का बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा और मॉडर्न, बहुत ही शानदार व्यू, कोई जवाब ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो व्यू मैं देख पाता जो है पैराग्लाइडिंग करता, वैसा ही व्यू सेम दिखाई दे रहा है। तो उसमें मुझे 5,000 रुपये लगते हैं, उसमें मुझे सिर्फ 500 रुपये में ये जर्नी हो रही है। तो मुझे तो काफ़ी वर्थ लग रहा है, मैं पूरे पैसे वसूल है इस जर्नी के। तो ये पूरा जो है एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा मेरा। मुझे लगता है, नहीं लगता कि मनोकामना से थोड़ा भी कम यहाँ पे सुंदर व्यू है, क्योंकि जो झील का जो पानी है, मतलब ये लेक है फेवा लेक, उसका पूरा पानी डार्क ग्रीन आ रहा है। पैराग्लाइडिंग हो रही है,
तो पराग रैली से जो व्यू आएगा, सेम व्यू हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी कम पैसे में। ऐसे पराग रैली का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, कभी हम लोग वो भी ट्राई करेंगे। क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा है, 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। क्योंकि गोवा में अभी गया था रिसेंटली, तो वहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपये की कॉस्ट है पराग रैली का, और वहाँ पर पूरा सी का व्यू आता है और यहाँ पर लेक का और पहाड़ का व्यू आ रहा है। समाप्त हो गई है, आप लोग एंजॉय किया उस वीडियो में तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। प्लेन का क्या चार्ज है? 300 नेपाली। 300 नेपाली। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? उधर तक, उधर है ना पुल। हाँ हाँ, अच्छा उस पुल तक, यहाँ से लेकर उस पुल तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 300 तो काफ़ी सस्ता है ना। ये कब शुरू हुआ है सब, कब स्टार्ट हुआ है ये सब? 6 महीने हो गए। अच्छा, स्विंग का भी कपल का 800 रुपये तक नेपाली लगता है, और लिप लाइन का 300 पर पर्सन नेपाली चार्ज है। तो ये दोनों भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे स्काई साइकिलिंग भी है जिसका नेपाली 500 रुपीज़ चार्ज है। तो वास्तव में किसी दूसरे दिन ट्राई करते हैं यहाँ पे। और ये एरिया का नाम है सारंगकोट है ना, ये एरिया का नाम सारंगकोट है, यहीं से जो है पैराग्लाइडिंग भी होती है। बुद्ध भगवान का एक मंदिर है थोड़ा सा, और यहाँ पे तिब्बतन कल्चर में ऐसे ही घुमाया जाता है। देखिए यही पूरा सेटअप है इसका, ये ऊपर का वॉच टावर भी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, और यहाँ बैठ के आप चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं। देखिए कितने शानदार नज़ारे हैं, लेकिन थोड़ा प्राइसेस थोड़ा सा हाइयर साइड में है। जैसे 330 का यहाँ पे टी है, और 350-400 के आसपास कॉफ़ी है, तो थोड़ा सा रेट हाई है। लेकिन ये व्यू है यहाँ का, शानदार व्यू है, उस हिसाब से प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है। करके आसपास का व्यू पॉइंट हम लोगों ने इंजॉय कर लिया, और अब जा रहे हैं हम लोग पर ऊपर में काफ़ी बड़ा मंदिर है शंकर भगवान का, तो देखने जा रहे हैं। और देखिए केवल कार से ऊपर आने के बाद हम लोग और ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे शंकर भगवान का एक काफ़ी बड़ा मंदिर है, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से पूरा पोखरा जो है आपको दिखाता हूँ, और यहाँ से यहाँ पे स्टॉप पे आप बैठेंगे ना, बड़ा यहाँ से व्यू आ रहा है। देखिए वहाँ पे नया एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है, शायद अभी स्टार्ट, कब स्टार्ट होने वाले मुझे पता नहीं है। और देखिए वहाँ पर ऊपर में जो है पैराग्लाइडिंग हो रहा है। हम लोग को व्यू देखना था ऐसे, ये जो सीन है, ये व्यू है वो पैराग्लाइडिंग से ही दिखेगा, क्योंकि पूरा इसमें पोखरा दिखाई दे रहा है। और ये केबल कार से जो आया है उसमें हम लोग को सिर्फ लेक का व्यू दिखाई दिया, ये शहर का व्यू बहुत ही कम दिखाई दिया है। तो ये व्यू बहुत काफ़ी अच्छा है। हम लोग यहाँ पर और ऊपर चले आए, और यहाँ पर इतना भी व्यू दिखाई दिया, उसमें सबसे शानदार व्यू मुझे इसी रेस्टोरेंट से दिखाई दे रहा है, जिसमें जो केबल लेक है उसका भी सीन दिखाई दे रहा है, और साथ में जो पोखरा सिटी है पूरा, ये भी पूरा दिखाई दे रहा है। सबसे शानदार व्यू है यहाँ पे। हम लोग और भी ऊपर आ गए थे और घूमने के लिए, जो कि यहाँ पे शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर भी है, और सबसे ऊपर में है एक हिल टॉप रेस्टोरेंट। और अभी तक मैं जितना भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया, सबसे बढ़िया व्यू इसी रेस्टोरेंट से आ रहा है। और पोखरा आते हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिए, केवल कलकार को अपना ही आनंद है, और यहाँ पे व्यू तो है उसका नहीं नहीं है। ऊपर का जो व्यू पॉइंट है, मतलब कि जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं, और 50 रुपये नेपाली का ही चाय है, तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ऐसा व्यू देखने पर तो ये कुछ भी नहीं है, व्यू का तो कुछ कहना ही नहीं है।
पोखरा के रोपवे का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।